विदिशा जिले के पठारी में प्रदेश में आचार संहिता लगते ही प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में कुरवाई एसडीओपी मनीष राज एवं पठारी टीआई बबीता सिंह चौधरी के मार्गदर्शन में सीआईएसएफ की 70 सदस्यीय टीम एवं पुलिस के द्वारा नवरात्र पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान क्रिटिकल मतदान केंद्रों के अलावा त्योहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों का दौरा भी किया। यह फ्लैग मार्च फार्म चौराहा से प्रारंभ हुआ जो करेली धाम होते हुए पुलिस थाने पहुंचा। पैदल मार्च करते हुए एसडीओपी एवं टीआई सहित अधिकारियों ने आम जन से चर्चा भी की। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। थाना पठारी क्षेत्र में हमारे द्वारा सीमा सशस्त्र बल के 70 जवान एवं दो उनके सहवान एसआई साहब जिसमें भीम सिंह साहब रोशन सिंह साहब भी साथ रहे, हम लोगों के द्वारा जो फ्लैग मार्च निकाला गया वह पठारी क्षेत्र में फार्म चौराहे से स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने सारंगा मोहल्ला, बस स्टैंड, मुख्य बाजार से होते हुए तालाब मोहल्ला से थाना परिसर में लाकर इसको समाप्त किया। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो एवं जो जनता है वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाए कि उनके चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। कौन कहाँ निकाला गया? यह तीन जगहों पर हमारे द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। सबसे पहले जो विदिशा से हम लोगों ने अपना बल बुलाया सीमा सशस्त्र बल, वो भाल बमोरा से स्टार्ट किया, फिर दूसरा हम लोगों ने थाना पठारी क्षेत्र में किया और तीसरा जो है हमारे एसएसटी का पॉइंट है जांच पॉइंट अंधकुआ, वहां पर इसको लगाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।